हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल बिना स्टडी केयर में आप सबका स्वागत है। मैं आप ईश्वरी साहू आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, रेस्पिरेशन, जिसके अंतर्गत मैं आप आपको बताऊँगी कि रेस्पिरेशन होता है क्या है, उसकी परिभाषा बताऊँगी, साथ ही साथ विभिन्न जीवों में होने जो भी रेस्पिरेशन ऑर्गन्स है, जो भी श्वसनीय अंग है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताती हूँ कि जीवित जीवों में कोशिकाओं में होने वाली जीव द्रव्य नियंत्रित भोज्य पदार्थों की ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें उसके अपचयन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा विमुक्त होती है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि जो भी जीवित कोशिकाओं में जो भी जीव द्रव्य नियंत्रित होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हैं, उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, श्वसन। इसके अलावा एक और परिभाषा है जिसमें यह बोला गया है कि ये श्वसन कोशिकाओं में होने वाली जीव द्रव्य नियंत्रित ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सरल कार्बनिक पदार्थ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है एवं ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि श्वसन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है एवं जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या होता है ऊर्जा का वहाँ पे निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ पे हम ग्लूकोज को लिए हैं, जैसे C6H12O6 से, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब इसका ऑक्सीकरण के होता है यहाँ पे, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यहाँ पे निर्माण करता है और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो इस पूरे अगर परिभाषा को हम देखें तो यहाँ पे कुछ बातें सामने निकल के आती है, वो ये है कि कोशिका जो है, ठीक है, जो श्वसन है वो कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, वो कोशिकीय लेवल का होता है, यानी सेलुलर लेवल का होता है, कोशिका में संपन्न होता है। दूसरी चीज़ें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है सरल अणुओं में टूटता है या सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि श्वसन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि ऊर्जा जो है यहाँ पे एटीपी के रूप में विमुक्त होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये है कि यह एक कैटाबॉलिक यानी अपचय अभिक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स का वहाँ पे विघटन होता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे जीवों के श्वसन अंग। जीवों के श्वसन अंग में सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी सेल। सेल जो है वहाँ पे आपको मेनली दो प्रकार से मिलेगा, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल से आपको मिलता है प्लांट और एनिमल सेल्स के अंतर्गत आप वो निर्माण करता है एनिमल्स का। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स का देखेंगे तो प्लांट्स में कोई भी एक सुनिश्चित श्वसन तंत्र का अभाव होता है, या फिर इसमें कहा जा सकता है कि इसमें एनिमल्स की तरह कोई सुनिश्चित श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। जैसे एनिमल्स में त्वचा, क्लोम्स, फेफड़ा, ट्रैकिया, ये सब पाया जाता है एनिमल्स में, ये सब पाया जाता है, वैसे प्लांट्स में ये सुनिश्चित श्वसन तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, यानी प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है, ये जो श्वसन है, वो जो है कोशिका में संपन्न होता है, इसलिए इसको पौधों में जो होता है उसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एनिमल्स में देखें, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में देखें तो उसमें त्वचा, क्लोम, फेफड़ा या ट्रैकिया के द्वारा श्वसन जो है होता है। तो आइए हम विभिन्न जंतुओं को भी देखते हैं जिसमें कौन कौन से श्वसन अंग के द्वारा उसमें जो है श्वसन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे हम एक स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर देखें, तो ये इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसकी पूरी बॉडी में यहाँ पे देखेंगे एक छिद्रनुमा संरचना पाया जाता है। ठीक है, इस छिद्रनुमा संरचना को हम ऑस्टिया कहते हैं। ठीक, और इसकी छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर जाता है, और यहाँ पे एक ऑस्क्यूलम नाम का एक छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक त्वचीय श्वसन पाया जाता है, या फिर एक विशिष्ट प्रकार का नाल तंत्र होता है जिसे ऑस्टिया कहते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे श्वसन का कार्य होता है।
ठीक है। इसके अंतर्गत हम अगर एग्जाम्पल देखें पोरीफेरा का, तो साइकान, स्पॉन्ज, यूप्लैक्टेला, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हम अगर देखें हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखें, तो ये इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर है, जिसमें देखेंगे ये यहाँ पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, सीलिया के जैसे स्ट्रक्चर या संरचना पाई जाती है, जिसे टेंटिकल कहते हैं। ठीक है। इसकी जो बॉडी सरफेस है, ये जो है ये जलीय प्रकृति का होता है, ये जल में पाया जाता है अक्सर, और इसकी जो पूरी बॉडी है वो गैस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी सरफेस एरिया जो है एक रेस्पिरेशन यूनिट की भांति काम करता है, या श्वसन की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी त्वचीय श्वसन जो है पाया जाता है। इसका अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो हाइड्रा है, सी एनिमोन है और ऑरेलिया है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्लेटीहेलमिंथस या नीमेटोड। प्लेटीहेलमिंथस जो फ्लैटवर्म है, ठीक है, जो चपटे कृमि है, फीता कृमि, टैप वॉर्म, फैजियोला, अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें भी इसकी जो पूरी बॉडी सरफेस है वो गैस का एक्सचेंज करता है, यानी इसमें भी त्वचीय श्वसन पाया जाता है। और जो नीमेटोडा यानी थ्रेड लाइक वॉर्म यानी धागे के समान जो वॉर्म होते हैं, ये भी जैसे एस्केरिस है आपका, ठीक है, तो एस्केरिस में भी त्वचीय श्वसन पाया जाता है। उसकी भी जो त्वचा है वो पूरी एक गैस एक्सचेंज करने या यूनिट के अनुसार काम करता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे एनेलिडा। एनेलिडा में हम अगर आए तो ये पेरिपेटस का स्ट्रक्चर है, आप पेरिपेटस का संरचना देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो पूरी बॉडी है, देखिए छोटे छोटे खंडों में यहाँ पे विभक्त है, ये गोल बेलनाकार अर्थवर्म होता है। इसकी जो पूरी बॉडी है वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और इसी क्यूटिकल के माध्यम से यहाँ पे श्वसन होता है। ठीक है। तो जैसे आपका हिरुडिनेरिया यानी जो जोंक होता है, केंचुआ होता है, ये जो एनेलिडा के अंतर्गत आता है, तो उसमें भी यहाँ पे क्यूटिकल के माध्यम से जो है श्वसन होता है। इसके अलावा हम देखेंगे मोलस्का। तो मोलस्का में जैसे हम यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक जल में और थल में। यहाँ पे श्वसन धीरे धीरे श्वसनांगों का विकास होने लगता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जल में हम देखेंगे तो जितने भी जलीय प्राणी हैं, मोलस्का के अंतर्गत जलीय प्राणी हैं, वो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, और जो थल में है वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है पाइला, यूनियो और ऑक्टोपस है। ठीक है। इसके बाद हम ऑर्थोपोडा में आते हैं, तो ऑर्थोपोडा को भी दो भाग में विभक्त कर दिया। अगर टेरिस्ट्रियल यानी स्थलीय देखेंगे और एक्वेटिक यानी जलीय प्राणी अगर हम देखेंगे, तो टेरिस्ट्रियल में बुक लंग्स है, और मतलब बुक लंग्स पाया जाता है यानी फुफ्फुस यानी फेफड़ा जो है पाया जाता है, जैसे आपका स्कॉर्पियन, स्पाइडर। ठीक है। तो ये जो है इसमें फेफड़े का विकास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। और यहाँ एक्वेटिक जली गिल्स यानी मछली, जितने भी मछली हैं पाइसेस के अंतर्गत आते हैं, तो ये गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीस, मैमल्स। ठीक है। तो सबसे वो देखते हैं कि एम्फीबियंस में है, तो एम्फीबियंस में देखो इसकी जो त्वचा जो है नम होती है, तो क्या होता है त्वचा जो है ये जो है त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है। जैसे मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है वो श्वसन के जो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, और जो मेंढक है, सैलामेंडर है, ये सब फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स जो है फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है, जैसे आपका रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है कोबरा, पाइथन, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक है। तो ये सब रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2016 या 2017 के अंतर्गत आया है कि रेप्टाइल्स में श्वसन अंग कौन सा है। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे एविस, जितने भी पक्षी वर्ग है उसको एविस के अंतर्गत रखा गया है, तो इसमें भी फेफड़े के द्वारा ही श्वसन होता है। जैसे हम देखेंगे कि पक्षियों में उड़ने के लिए एक बड़ा सा अनुकूलन पाया जाता है, जिसमें एक बड़ा सा एयर सेक होता है जो उस उड़ने में उसको हेल्प करता है। तो जितने भी पक्षी वर्ग हैं, जैसे आपका कबूतर, चिड़िया, जो भी है, ठीक है, सब फेफड़े के माध्यम से ही श्वसन करते हैं। इसके अलावा मैमल्स हैं, तो मैमल्स में भी फेफड़े के माध्यम से ही श्वसन होता है, जैसे आपका ब्लू व्हेल है, कंगारू है, बैट, चमगादड़ है, ह्यूमन बींग्स है, गाय, बैल, भैंस, जो भी है, ये सब क्या है मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है फेफड़े से श्वसन करता है। तो इससे हम यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि
जितने भी यहाँ पे क्या है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमेटोड्स, एनेलिडा के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, ठीक है, के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं ये त्वचीय श्वसन करते हैं। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो स्थलीय प्राणी हैं वो फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं, और जो जलीय प्राणी हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है। और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविल्स, मैमल्स, अगर इसमें अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जो भी प्राणी आते हैं उसमें सुविकसित फेफड़े का विकास हो जाया रहता है, तो उसमें फेफड़े के द्वारा वहाँ पे श्वसन जो है होता है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।